मास्टर डेविड, किसी ने लड़ाई को पोस्ट कर दिया, अब मुझे कोई नौकरी पर नहीं रखेगा। मास्टर लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे घोड़े को अपनी फिल्म के लिए इनवाइट करने आया हूँ। सच में? हाँ, ट्रिक्स मुश्किल होंगे, क्या वो ऐसा कर पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, और कैसे, मैं उसे बचपन से सिखा रहा हूँ, वो मेरा बेस्ट स्टूडेंट है। हाँ बेबी, यहाँ पे आओ। हेलो, कहो ट्विंकल, क्या तुम स्टार बनोगे? देखो सुपरस्टार है, ट्विंकल है, हॉर्स फायर, हाई फाइव। बेबी सुनो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, चलो प्रैक्टिस करते हैं ना। हाँ, डैडी ने थोड़ा सा झूठ बोला, आखिरकार हमें नीचे से ऊपर उठने का मौका मिलेगा। क्या देख रहे हो, पीछे मत हटना, स्टंटमैन की आंखें जलनी चाहिए, चलो जंप करो। थोड़ी और प्लीज। क्या तुम पागल हो, तुम इतनी कॉफी नहीं पी सकते। हमें कुछ बात करनी है, मेरी मॉम तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती है। कैसे मान गई? क्या वो भूल गई कि मैं एक अनाथ हूँ, मेरा फैमिली ट्री एक स्टंप है, वो अचानक कैसे मान गई है? तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद हम शादी करने के बारे में सोच रहे हैं और उनके सामने इस बारे में शर्मा गए, खैर वो तुरंत मान गई है ना। खैर उन्हें बता दो कि अभी हमने तय नहीं किया है। तय किया अभी नहीं, ये रिलेशनशिप का लॉजिकल डेवलपमेंट है। हाँ, लेकिन ये मैं ही तय करूंगी कि मैं शादी कब करूंगी, हालांकि मैं समझती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स पुराने जमाने के हैं। मुझे समझने के लिए थैंक्स। ग्लोबल सेंस के हिसाब से तुम सही हो, इसीलिए अपनी नाक मत लटकाओ, गुड लक। मुझे पसंद है। मुझसे क्यों मिल रही हूँ? बाय, प्लीज मुझ पर एक एहसान करो, प्लीज अपने डैड के साथ शांति बनाए रखो। थैंक मॉम, बहुत हो चुका। ओके, मैं उससे लाखों साल से ये पूछ रही हूँ, पर वो बदलना नहीं चाहते, और अब फिर से पुराने के लिए। मैं उनके संपर्क में रहूंगी सिर्फ तुम्हारी खातिर। पर क्यों? ताकि तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। जैसे तुम्हारी ग्रेजुएशन कब है और शादी? क्या आप वहाँ नहीं रहोगी? बिल्कुल मैं रहूंगी। वाह बहुत बढ़िया, पर मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उसने अपने वादे पूरे नहीं किए। छोड़ो, आप यहाँ रहने के लायक नहीं हो। मुझे नहीं पता था कि वो, आपने उसे पूरे दिन इंतजार करवाया, मेरे पास डेट नहीं है। उसे बस एक बात का वादा करो, अगर तुम्हारे डेट तुमसे फिर से मिले तो उनसे मुंह मत मोड़ना, प्रॉमिस? सुपर हॉर्स कौन बनेगा? रुको, तुम मना नहीं कर सकते है ना? यहाँ टैलेंट की तलाश में है, बोलो। क्या फोटो लेना चाहते हो? पूछो। हाँ फोटो लेना चाहते हो?
आपने कभी इंडियन कुंग फू देखा है? बच्चों क्या फोटो लेना चाहते हो क्या? हाँ, आधी कीमत पर। बच्चे नहीं 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 नहीं, अरे क्या कर रहे हो? अरे घोड़े पर नहीं कर सकते, सॉरी सॉरी, झटका दो। चलो देखो जोरों के पास चलते हैं। चलो चलते हैं, ये प्रैक्टिस का टाइम है। पहले अपने एक्शन की रिहर्सल करो। ए, अब मैं तुम्हारे मुंह पर मुक्का मारूंगा, ठीक है? चलो मैं धीरे से मारूंगा पर तुम रियल एक्शन करना, ठीक है? एक दो तीन बूम। ए, अरे चकमा मत दो यार, अरे शांत खड़े रहो, झटके का वेट करो। अरे ए अंक, हम एक फिल्म की तरह शूटिंग कर रहे हैं। तुम इतने सीरियस क्यों हो भला? तुम मुझ पर दस्ताने फेंक रहे हो? इस तरह हमें दोबारा चांस नहीं मिलेगा, रिहर्सल करने की जरूरत है। जजमैन, मैंने इसे ढूंढा, बेकार हो गई है। मुझे लासूट के बारे में और बताओ। अगर तुम्हें वकील चाहिए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड की मदद ले सकती हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या नाम है उसका? इससे आपका कोई लेने देना नहीं। उसका नाम मिकी है। और वो कौन है? एडवोकेट। अच्छा होगा अगर उसका लास्ट नाम माउस ना हो। और क्या वो स्मार्ट है? रुको, वहीं। ओग्योन्योक, मेरा नाम बाउन है। उम्मीद है कि ये दोनों वहां साथ होंगे। आप इतने घबराए हुए क्यों? बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल, क्या तुम फाइट कर सकते हो? फाइट? हॉस्पिटल जाने के लिए या सलाखों के पीछे? बिल्कुल नहीं। तो तुम उसकी रक्षा कैसे करोगे? क्या कोर्ट में मैं कर सकता हूँ, क्या ये काउंट करता है? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इतनी मुश्किल बात?
इतने नर्वस क्यों हो? कुछ नहीं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अभी तक कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ। हमने बात की थी। संभालो मिकी, भूलो मत, समय ही पैसा है, इसको वेस्ट मत करो बिल्कुल। हाँ चलो काम की बात करते हैं। और बात यह है कि तुम हमारे एक्सपीरियंस्ड वकील हो। अंकल प्लीज ऐसी बातें मत करो प्लीज। दरअसल यूनिवर्सिटी में मैं बहुत से 3 साल पढ़ा हूँ। मेरी इंटर्नशिप 1 महीने पहले खत्म हुई है और मुझे अभी अभी मेरा लाइसेंस मिला और मैं ये ऑफिस में बिल्कुल नया हूँ। उसे मिकी कहो आप। तीन साल पहले हम भाई हैं, तुम हार नहीं मान सकते, ठीक है? ये 3 मिलियन है, सब गरीब हैं। जन दिया हाँ भाई, लिंग लॉन मेरे पर्सनल कोड है, इसे ले जाओ। ये हो सकता है वो रेजिडेंट नहीं है, टेढ़े पर खराब हल्का, हम मेहरबानी से काम करेंगे। इसका मतलब उसे ठीक करना पड़ेगा। हमेशा करते हैं। मेरे साथ आओगे? जल्दी उठो। ये मेरा है। अब हम हमेशा के लिए साथ हैं। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ डरो मत डरो मत डरो मत, बहुत अच्छी आराम से। अरे चलो 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 चलो। हाँ ओ मुझे पता है पता है पता है पता है मुझे। हाँ आज के लिए काफी है। हाँ चलो आओ 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 आओ, आओ। अरे यहाँ पाओ। अरे वाह, अरे यहाँ 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 यहाँ। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वाह रैक्स, अरे वाह रैक्स। तुम सुंदर हो है ना? हाँ उठो उठो, अपने घुटनों पर कभी मत बैठना, समझे? अंकल जाओ इसे संभालो। ओ नहीं, कि रेंट का क्या? कानून के हिसाब से मिल सकती है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है भाई। तुम्हारा भाई बन गया? मैंने सॉरी मिकी कृष्ण,
हमें किया, तुम्हें ये करना होगा। हा? बॉक्सिंग लेसन लो। नहीं अंकल थैंक्स। आदमी मजबूत होना चाहिए। हाँ। मैं दिखाता हूँ, आओ चलो अपने भाई को दिखाते हैं कि कैसे लड़ना है। भाई मैं और ग्यारह ग्यारह तो स्टंटमैन बनने वाला है। चलो तुम देखना ट्रिक नंबर एक हिट कैसे ले। देखो बेबी आ जाओ देखना। हाँ अब हिट होगी, फॉलो। तुमने डोज किया? घोड़े को नहीं मारेगा ना। तो हमें की चलो 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 आओ। अब तुम ग्लव्स पहनकर मारोगे ठीक है? नहीं कर सकता। नहीं 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 हो पाएगा। उसे मारा प्रोफेशनल है। लेकिन 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 मैं जीना चाहता हूँ एक बार बस है।